भारतीय रिजर्व बैंक ने सब तो वड्डे करंसी 2000 रुपए के नोट उपर एक वड्डा फैसला सुना दिता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो जारी रहेगा पर इस सर्कुलेशन तो बाहर कर दिता जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को तुरंत प्रभाव के नाल 2000 रुपए के नोट जारी करन तो रोकने की सलाह दी है। दस दें कि रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला लिया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंक के विच जमा करवाए जा सकते हैं। दस दें कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 तो किसी भी बैंक के विच एक समय विच 2000 रुपए के नोटों को होर मुलां दे नोटों लई बदलिया जा सकता है। नोट एक्सचेंज की सीमा 20,000 रुपए है। साल 2016 दे विच रिजर्व बैंक के वलों नोटबंदी तो बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट जारी किया। पिछले कुछ महीनों तो बाजार के 2000 रुपए के नोट घट नज़र आ रहे सन। लोगों ने दसिया कि ATM तो 2000 रुपए के नोट भी नहीं निकल रहे। इस संबंधी सरकार ने संसद दे विच भी जानकारी दित्ती सी पर दस दिए कि फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवे नोटिफिकेशन के नाल पूरे बाजार दे विच हलचल मच गई है। दस दिए कि इस खबर के नाल हर कोई यह कह रहा है कि सरकार दे वलों एक बार फिर तो नोटबंदी कर दी गई है पर तुहानू पूरी खबर दस दिए कि RBI की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये एक अफवाह है। उन्हां दा कहना है कि हुण 2000 के नवे नोट जारी नहीं किए जाएंगे। जो नोट हुनी मार्केट के मौजूद ने वह 30 सितंबर 2023 तक पूरी तरह वैलिड रहेंगे और चलते रहेंगे तो उन्होंने बैंकों के जमा करवाया जा सकता है। यानी कि तुहानू इस वेले अफवाहों तो बचन की लोड़ है। RBI के मुताबिक किसी भी तरह के मार्केट के मौजूद नोटों खारिज नहीं किया गया बल्कि इन्ना कहा गया है कि जो भी नोट मार्केट दे विच ने ओहो 30 सितंबर तक चलते रहेंगे अते इसे दरमियान नवे नोट बनाउन की खबर सामने आई सी जिस दे उत्ते स्पष्टीकरण दिंदिया RBI ने दस्या है कि जिहड़े नवे नोट तैयार किए जाने सी ओहो हुण तैयार नहीं होणगे ते अफवाहां तो बच के रहने की भी अपील की है क्योंकि हुण बाजार दे विच रौला है कि सरकार दे वल्लों नोटबंदी फेर कर दी गई है तो 2000 दे नोट बंद कर दिए गए हैं। बल्कि पूरी खबर यह है कि पुराने नोट 30 सितंबर 2023 तक फिलहाल चलते रहेंगे तो नवे नोट बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो लोगों को अपील है कि वह किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना देन ते जिहड़ी जानकारी अधिकारित तौर के उत्ते सामने आती है उस दे उत्ते ही ध्यान दिता जाए। एक बार फिर दस दें कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 तो किसी भी बैंक के एक समय में 2000 रुपए के नोटों को होर मुलों के नोटों के लिए बदलिया जा सकता है। नोट एक्सचेंज की सीमा 2000 रुपए है। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंक के जमा करवाए जा सकते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो जारी रहेगा पर इस सर्कुलेशन तो बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को तुरंत प्रभाव के नाल 2000 रुपए के नोट जारी करन तो रोकने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 23 मई 2023 तो किसी भी बैंक के एक समय में 2000 रुपए के नोटों को होर मुलों के नोटों के लिए बदलिया जा सकता है। नोट एक्सचेंज की सीमा 2000 रुपए रखी गई है। साल 2016 रिजर्व बैंक के वलों नोटबंदी तो बाद रिजर्व बैंक ने साल 2016 रिजर्व बैंक द्वारा नोटबंदी तो बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट जारी किया। पिछले कुछ महीनों तो बाजार के 2000 रुपए के नोट घट नज़र आ रहे सन। इसका ही यह मुख्य कारण है। लोगों का कहना है कि ATM दे विच्चों 2000 रुपए के नोट भी नहीं निकल रहे हैं। इस संबंधी सरकार ने एक संसद दे विच्चों जानकारी दित्ती सी। RBI की नोटिफिकेशन के मुताबिक यह एक अफवाह है। उन्हां दा कहना है कि हुण 2000 के नवे नोट जारी नहीं किए जाएंगे। जो नोट हुण मार्केट दे विच मौजूद ने वह 30 सितंबर 2023 तक पूरी तरह के नाल वैलिड रहेंगे ते चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TVN राय। गर्मियां शुरू होने ते आउटडोर गैट टुगैदर का मौसम शुरू हो जाता ते अपने नाल समा बिताउणा किसनूं चंगा नहीं लगता पर जे स्वाद खाणा हो जाए तो सोने ते सुहागा। लजीज खाने दे चावानां नूं लंबे समय तो अपनियां सेवावां दे रहे स्टैंडर्ड स्वीट्स माल्टन हुण आउटडोर केटरिंग च हर तरह के वैज नॉन वैज पकवानां नाल तुहाडा मन मोह लैणगे। तुहाडा अपना जाणिया पछाणिया स्टैंडर्ड स्वीट्स माल्टन
लाजवाब खाने का स्वाद चखण लई नंबर घुमाओ 416-888-6625 4168886725।